Students, in today's class we are going to learn 9th standard political science lesson number 3, that is India's defense system. मैंने 4th एंड 5th चैप्टर बनाया है, तो मुझे 3rd चैप्टर के लिए कमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ. 1st एंड 2nd चैप्टर का मैंने अभी नहीं बनाया है, 6th भी नहीं बनाया है. आपको जैसे ही नीड होगी, आपके कमेंट्स आएंगे, मैं ज़रूर बना दूँगी. ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैं वही वही यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. द डैश ऑफ इंडिया इज़ द कमांडर इन चीफ, ये आपको पता है, न्यूज़ में भी देखा होगा. प्रेसिडेंट द डैश हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन, तो कोस्ट गार्ड उनकी ही ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसका राइट ऑप्शन होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी. नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद, किससे रिलेटेड है ये, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी या मैथोलॉजी. तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका राइट ऑप्शन है, आपको पता ही होगा ज्योग्राफी होता है, क्योंकि 4th 5th यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है. सबका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है. यहाँ पे सबके आंसर्स दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पे देखो. ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही है, बिगेस्ट चैलेंज है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए क्या, टेररिज्म. नेक्स्ट है यहाँ पे, द डैश कंट्रोल्स द आर्मी द नेवी एंड द एयरफोर्स, ये कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. 3rd देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 4th का भी पुणे, 5th का दिल्ली, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए. इट इज़ नेसेसरी टू एंड टेररिज्म टू इंश्योर ह्यूमन एक्टिविटी, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है. क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लो, स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स है वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, रीज़न भी बताना है उसका. अब ट्रू है तब भी रीज़न बताना है, पॉइंट वाइज रीजंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, न्यूज़ में भी आप देखते रहते हो आए दिन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और उसके बताते रहते हैं क्या फ़ायदे, फ़ायदे तो कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है. हर नेशन को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम बनानी जरूरी है, बनाना चाहिए, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि आंसर्स देख सकते हो, झगड़े होते रहते हैं दूसरे नेशंस के साथ में, हमारा ही देख लो, अलग अलग दुश्मन बनते रहते हैं, जो मेन है वो तो आपको पता ही है, दो कंट्री हैं. मैं चीन दो कंट्री की बात करें, आपको पता ही है, देर आर नो इश्यू ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये फॉल्स है. ठीक है, तो ये हमें पता है कि क्या डिस्प्यूट्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर इशू है, रिवर वाटर शेयरिंग है, जो सिंधु नदी का पानी जाता है पाकिस्तान में. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एंड डिस्प्यूट ओवर बॉर्डर, आए दिन सीज फायर तोड़ता रहता है पाकिस्तान, देखते ही हो. द आर्म फोर्सेज कैन टेक डिसीजन अबाउट वॉर, नो, ये हमें पता है, ये रॉन्ग है. प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वो क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, वही बताते हैं कि कब किससे लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है, सारी चीज़ें. इंडिया हैज़ गुड रिलेशन विद चाइना, ये भी बिल्कुल गलत बात है, सब अच्छी चीज़ अच्छी अच्छे से पता है, अभी आपको पता ही होगा कि मेड इन चाइना गवर्नमेंट ने बैन भी किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है मिलिट्री को बढ़ाना, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, डू यू एग्री. सो अबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्यों फॉल्स है, रीज़न यहाँ पे देखो दिया गया है कि सिक्योरिटी बढ़ाने से यहाँ पे जो है सिर्फ उससे काम नहीं होगा, जो मॉडर्न वेपन्स है उसे बढ़ाना चाहिए मिलिट्री में. ठीक है, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, देख सकते हो. शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो आप देख सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है क्वेश्चंस.
रैपिड एक्शन फोर्स के फंक्शन बताना है तो देखो यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमन सिक्योरिटी के देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। वीडियो आपको 480 रेजोल्यूशन पे देखना है तो क्लियर दिखेगा, कम से कम 360, इससे ऊपर देखोगे तो ही क्लियर दिखेगा, ठीक है। इससे कम में देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप बोलोगे मिस ब्लर है। होम गार्ड्स क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो। पार्लियामेंट्री फोर्सेज आर नाइदर कम्प्लीटली मिलिट्री फोर्सेज नॉर कम्प्लीटली सिविल फोर्सेज, उनका मेन टास्क क्या है, हेल्प करना डिफेंस फोर्सेस को। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है। लोकेशन लाइक रेलवे स्टेशन, ऑयल डिपॉट्स, वाटर रिजर्व्स एट्सेट्रा, सारे आंसर देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। कोस्ट गार्ड के बारे में देखो, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत इजी इजी है पॉइंट्स। ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्या हैं, टेररिज्म सबसे बड़ा चैलेंज है ये हमें पता है सबको। उसके बाद पोल्यूशन, उसके बाद डिजीजेस, देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे जो दिया गया है। कंप्लीट करना है आपको, ये देख सकते हो कंप्लीट किया गया है, जो अंडरलाइन है वो सभी आपको करने हैं। यहाँ पे मुझे कुछ बहुत हार्ड नहीं लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी बन जाएंगे। वैसे आपके मराठी ईवीएस वन, साइंस वन, साइंस टू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सारे आप देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ से देख सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट्स हैं, क्या खतरे हैं, तो देखो सबसे बड़े तो यही है जी, दो कंट्री की मैं बात कर रही थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के फंक्शंस क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी क्या है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर ये दिया हुआ है। थोड़ा सा ब्लर है, मॉडर्न, इंक्रीज, वेपन, फोर्सेस, नेशंस दिया हुआ है। वाई इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डेड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, तो इन्हें क्यों बोला जाता है कि प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर हैं, क्योंकि क्या है डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप सुपीरियर होता है, ठीक है, टू मिलिट्री लीडरशिप। मिलिट्री लीडरशिप से भी ज़्यादा क्या सुपीरियर है यहाँ पे, सिविल लीडरशिप, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री के हाथों में सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है मिलिट्री के हाथों में सब कुछ, पाकिस्तान में है, चाइना में भी है, ओके। वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने पीएम और प्रेसिडेंट को सुनते ही नहीं है, वही हेड होते हैं, दिखावे के लिए भले से करें बट डेमोक्रेसी नहीं है। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू मॉडर्नाइज द सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, आंसर देख सकते हो। आई नो थोड़ा सा ब्लर है बट दिख तो रहा है कि आप लिख सको, इतना तो दिख रहा है, समझ सको। क्या स्टेप्स है आज के अगर हम देखें मॉडर्नाइज सिक्योरिटी सिस्टम भारत में क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है मेनी मेजर्स आर टेकन मॉडर्नाइज ऑल थ्री डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम। मॉडर्नाइज सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इन सब में क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, मॉडर्न हो गया है। बहुत सिंपल है, इसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ पूरा, बट थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, और ईजी भी है तो देख सकते हो आप।
टेक्स्टबुक में सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी गई हैं, यहाँ पे आप देख लो अच्छे से सब दिया गया है। अपना ओपिनियन देना है आपको, विच ऑफ द फोर्सेस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी वुड यू लाइक टू ज्वाइन, वाई। तो यहाँ पे आपको अपने तरीके से आंसर देना है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहूँगी, उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। आई वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द एयर स्पेस ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे मिलिट्री भी लिख सकते हो, नेवी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये थ्री फोर्सेस हैं अपने जो आपको पसंद आए। तो यहाँ पे देखो अपनी पसंद की बातें बोली गई हैं, अपने तरीके से लिख सकते हो। अपने व्यूज़ देने हैं किस पॉलिसी पे, एटम्स फॉर पीस, जो परमाणु बनाए जा रहे हैं, परमाणु ऊर्जा एटम्स एनर्जी, वो पीस के लिए, शांति के लिए, हम किसी पे फेंकने वाले नहीं हैं। तो ये हमें पता है क्योंकि एटम बम ड्रॉप किए गए हिरोशिमा और नागासाकी में, तो बेचारे कितने आज तक वहाँ पे लोग हैंडीकैप ही पैदा हो रहे हैं, बीमारी रहती है उनको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है उस जगह पे। आज भी वो चीज़ फील की जा सकती है देख के वहाँ का सिनेरियो। तो हम ये नहीं करना चाहते, हमें ये सारी चीज़ें, हम हमें शांति प्रिय है इंडिया, ठीक है। इंक्रीजिंग वायलेंस इन सोसाइटी इन इंडेंजरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी, यस। तो वायलेंस जितना बढ़ेगा सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा खतरा होगा इंसानों के लिए, तो सही बात है ना। देख लीजिए दिया गया है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी होता है तो आप उनको एक साथ बैठ के जो भी डिस्प्यूट हो उसे, जो भी इश्यू रहे उसे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, देख सकते हो आंसर्स। डू यू थिंक दैट ओनली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन मेंटेन ह्यूमन सिक्योरिटी। सो देखो यहाँ पे दिया गया आंसर कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी तो वही क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है ह्यूमन रिस्पेक्ट को, क्योंकि इट रिस्पेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, राइट। सही बात है, क्योंकि हम ही तो चुनते हैं लोगों को। एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा फीवर है, तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे, मेरी आवाज़ भी बहुत ही लो है। वॉट इज़ अ मिलिट्री रिजाइम, डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सच रिजाइम्स। सो देखो आपको फाइंड आउट सो एज टू अंडरस्टैंड, पेज नंबर 73 में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के भी या चैप्टर्स के, सो डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू, ओके। चैनल आपके लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, तो जैसे ही मुझे कमेंट्स आते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट का सेकेंड यूनिट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए पूरी हेल्प हो सके आपकी। ऑल कंट्रीज आर नॉट एट पार विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री माइट इन सच अ सिचुएशन, वॉट मीन्स टू बी डन टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ आर्म्स कंट्रोल। सो देखो यहाँ पे दिया गया है आंसर्स, अमेरिका एंड रशिया क्या होते हैं के पास यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन है, इन्हीं को तो देख के लोगों ने किया, अमेरिका ने ही तो गिराया था ना जापान पे एटम बम, ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। और अगर पता नहीं है तो आप पता कीजिए ये सारी चीज़ें, न सिर्फ ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेना है, बुक में सिर्फ रट्टा मार के एग्ज़ाम में पास कर दे उसका कुछ मतलब नहीं, समझना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। क्रिएटेड है, शुड बी क्रिएटेड, प्रिवेंट वायलेंस फ्रॉम ग्रोइंग, सो देख सकते हो आई नो थोड़ा सा ब्लर है, अगर इसमें बहुत प्रॉब्लम हो, लिखने में दिक्कत हो, नहीं दिख रहा हो 480 पे या उससे हाई रेजोल्यूशन पे भी देखने पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, ओके। व्हाट नीड्स टू बी डन टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ आर्म्स कंट्रोल, आंसर देख सकते हो। ये तो मुझे कॉमेंट्स आए हैं बच्चों के एग्ज़ाम से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो भी मेरे पास है मैं बना दे रही हूँ। ये जो पैसेज है इससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है, तो वही यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसे पीसफुली ख़त्म करें, सॉर्ट आउट करें, ठीक है। हाउ विल द डायलॉग बिटवीन
नेशंस इंक्रीजेस, तो देखो दिया गया है ये डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन। उसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट था, फोर्थ फिफ्थ मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट सेकंड का भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, सिक्स चैप्टर का भी मैं बना दूँगी जल्दी ही। वैसे इसमें तो आपके इस एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, आपका सेकेंड सेमेस्टर आते आते बन जाएगा। और भी कोई वीडियो चाहिए जो नहीं बना हो तो आप कमेंट में बताइए। पहले आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए जो वीडियो रह गए हो, नहीं बनाए हो मैंने, और आपको नीड हो चाहे एक्सप्लेनेशन की चाहे क्वेश्चन आंसर की, तो ज़रूर बन जाएगा।